राजघाट थाना क्षेत्र स्थित अमृतानी में महिलाओं, युवाओं और बच्चों को एसपी सिटी और उनके सहयोगी पुलिस अधिकारी बुधवार को अमृतानी में विशेष अभियान पर थे। उन्होंने अमृतानी में जनसंपर्क कर लोगों को जागरूक किया। लोगों की भावनाओं को क्रोधते हुए कहा कि अमृतानी अमरूद के लिए जानी जाए, कच्ची और मादक पदार्थों के लिए नहीं। इस दौरान एसपी सिटी कौस्तुम ने लोगों से बताया कि पुलिस में आने से पहले मैं डॉक्टर था, तब मैं लोगों का इलाज करता था। उस समय तकरीबन 15 साल का एक किशोर मेरे पास आया, उसकी आंख से दिखाई नहीं दे रहा था। परिवारजनों ने बताया कि उसका यह हाल जहरीली शराब पीने से हुई है। मैंने उसका इलाज शुरू किया, उसके शरीर से जहरीली शराब का असर कम करने के लिए शराब पिलानी पड़ी। 3 दिनों तक वह मामा चिल्लाता रहा और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। एसपी सिटी ने कहा कि अमृतानी में अब सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई हैं। लगातार विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। फिर हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम पढ़ाई लिखाई और तरक्की की बात करें। हमारी पहचान पढ़ाई लिखाई, अमरूद, अमृत, सब्जी और फल से हो। हम क्यों अपने माथे से दाग ना मिटा दें? क्यों हम ये मौका दें कि लोग कहते फिरें कि अमृतानी की पहचान शराब और मादक पदार्थ है? एसपी सिटी ने कहा कि एसएसपी ने जो टारगेट दिया है, हम सभी उस पर अमल करें और अमृतानी का माहौल बेहतर बनाएं। महिलाओं, युवाओं और बच्चों को सीओ कोतवाली बीपी सिंह और राजघाट इंस्पेक्टर राजेश पांडे ने भी लोगों को समझाया। इस दौरान अभियान में सीओ कोतवाली बीपी सिंह और राजघाट इंस्पेक्टर राजेश पांडे, पार्षद रामबुहाल कुशवाहा और उनके सहयोगी तथा बड़ी संख्या में अमृतानी के लोग भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर कौस्तुम ने कहा, रात दिन प्रयास करना है तो आप सभी लोगों को उसी के क्रम में ये जागरूक करने के लिए कि कितना नुकसान होता है इसके सेवन से। ये हमारे जो गरड़ प्रभारी है सब इंस्पेक्टर, अभी आपको दोहे के माध्यम से बताया है कि तमाम प्रकार के सामाजिक जो रिश्ते हैं वो भी छिन्न भिन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारी खुद की शारीरिक जो क्षमता है ये छीड़ होती है। अभी आप देखे होंगे कि कभी खाली पेट शराब पीते हैं, कभी खाने के बाद शराब पीते हैं, कभी इस तरह का सेवन करते हैं 24-24 घंटे हैं। किसी का किडनी फेलियर हो रहा है, किसी को तमाम प्रकार के कैंसर के रोग हो रहे हैं इस तरह के सेवन से। इनसे सबसे बचने के लिए ये जन जागरूकता अभियान चलाया गया है। एक बदनाम शुदा स्थान है, जहाँ भी जाए पूरे शहर में, गोरखपुर में कहीं भी पूछे तो सबसे पहला नाम, हो सकता है इससे ज़्यादा भी कहीं तैयार होती हो, लेकिन सबसे पहला नाम अमृतानी का आता है। आज भी अखबार के पन्नों में आज के दिन निकला हुआ है कि अमृतानी में अवैध शराब का धंधा बंद नहीं हो रहा है और हरबट बंधा के किनारे भी इस तरह के शराब बेचे जा रहे हैं। ये सही है कि छोटे छोटे बच्चे अभी और आगे बढ़ करके आप देखें, जो आगे बाग है वहाँ मैं 2-4 बार गया हूँ, देखा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे स्नैक की पुड़िया लेकर के रहते हैं और जैसे ही पुलिस को देखते हैं वो भागते हैं। उनकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल 12 साल तक की होगी। अब आप सोचो कि कोई न कोई इस धंधे को करा रहा है और ये छोटे बच्चों से शराब खरीदवाना ये या बिचवाना दोनों अपराध है। इसमें गार्जियन के खिलाफ जो है मुकदमा कायम होना चाहिए और गार्जियन को भी जेल जाना चाहिए। हम छोटे बच्चों को भी अगर बुला के पूछेंगे कि आप किसके बच्चे हैं, उनके गार्जियंस के जन्म नाम आएंगे तो हम चाहेंगे तो उनके खिलाफ मुकदमा लिख सकते हैं। ये एक बड़ा जुर्म है और इसके लिए माँ और बाप दोनों जिम्मेदार होंगे, दोनों को जेल जाना पड़ सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि आप लोग पुलिस के साथ आइए, मिलिए, सहयोग करिए। यहाँ की जो ये पुरानी प्रथा है कि भाई अमृतानी एक बदनाम शुदा है, इससे हम उभर करके और बेहतर काम करके दिखाएंगे कि अमृतानी केवल इसी के लिए नहीं था। ये तो हम समूल नष्ट कर रहे हैं, जड़ से इसको हम समाप्त कर रहे हैं। न बनाएंगे, न किसी को बनाने देंगे, न यहाँ कोई खरीदने आएगा, न मैं बेचने दूंगा। ये सभी लोग संकल्प करें, आप कुछ न करें, आप स्वयं डंडा चलाने न जाएं, किसी को रोकने न जाएं। हमारे टीम के प्रभारी का ये नंबर मैं सार्वजनिक कर रहा हूँ, आप सभी लोग नोट कर लें, आप उनको बताएं। हमारे नंबर हैं, हमारे एसपी सिटी साहब के नंबर हैं,
किसी को भी बताएं कि ये भट्टियां चल रही हैं या इस तरह के स्नैक बिक रहे हैं। ये भी सही है कि अभी हमने बहुत सी जानकारियां कराई हैं, कुछ एक लोग स्नैक के धंधे में भी व्यस्त हैं, और मैं बता देना चाहता हूं कि स्नैक मिले या न मिले, मैं उनको पकड़वाऊंगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो जेल जाएंगे। अभी से मैं सावधान कर रहा हूँ कि ऐसा कोई काम न करें, कोई भी गरीब आदमी, हमारा मेहनत कश आदमी परेशान न हो, पुलिस तंग नहीं करेगी, ये मैं आप लोगों को आश्वस्त कर रहा हूँ। लेकिन मेरा निवेदन है कि ये जो कोढ़ है यहाँ का अमृतानी का, इसको ख़त्म करने में अगर आप लोग खड़े हों, जैसे हम 4 पुलिसकर्मी जाते हैं, 10 पुलिसकर्मी अगर घुस रहे हैं इसमें छानबीन करने के लिए, तो आप 50 लोग साथ में आइए, आप खुद देखिए, आप उन लोगों को चिन्हित कराइए, आप उन लोगों के घरों तक हमारे साथ चलिए, उनको बताइए कि आप गलत कर रहे हो, हम एक बार माफी देंगे। अभी हम इसकी चेकिंग कराएंगे, एक बार हम छूट देंगे कि सबक अंतिम है, आप लोग सुधर जाइए, नहीं सुधरेंगे। आप जान रहे हैं कि एक ऐसी धारा बढ़ाई गई है जिसमें मृत्यु दंड है, मृत्यु दंड की व्यवस्था की गई है, वो धारा है 60 का। अगर किसी के पास जहरीली शराब मिल गई, जहरीली वैसे भी हो जाती है, इस तरह का बनाते हैं लोग कि उसमें जहरीलीपन आ जाएगा, और अगर किसी की मौत हो गई तो वो 60 का में जेल जाएगा और छूटेगा नहीं, उसे मृत्यु दंड तक हो सकता है। बाढ़े पुत्र पिता के घर में, इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि कम से कम अगर हम संरक्षक की भूमिका में हैं, तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को कैसे, भले आप मेहनत से कमाते हैं उसमें से थोड़ा सा ही बचाइए, आप उनको जरूर पढ़ाइए, उनको विद्यालय भेजिए, उनको समय से आए, उनके क्लासों में जाइए, पता करिए कि बच्चे हैं, 10-15 लड़के रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो पुलिस को देख करके भागते हैं, उनके पास पावरफुल मिलता है, कुछ एक महिलाएं भी हैं, ये भी मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ ये जरूर भेजेंगे। अगर वो समझ रही हैं कि मैं छिप करके बेच लूँगी, मैं छिप करके ऐसा धंधा करूँ, सबको बता दें कि इस धंधे से उभरें और कोई धंधा अपनाएं, जहाँ कहें पुलिस का सहयोग रहेगा। आप अगर ठेलिया लगाना चाहें इनाम पर, अगर कोई पुलिस से पीड़ा है तो आप नहीं संकोच, मेरा नंबर, हमारे पुलिस अधीक्षक नगर साहब का नंबर, SPCD साहब का नंबर आपके पास, वो गारंटी दे रहा हूँ किसी भी पुलिस वाले को। ये भी प्रथा भूल जाए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कौस्तुभ है, मैं यहाँ SPCD हूँ, 15 बैच IPS अधिकारी हूँ, और मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब इतनी संख्या में यहाँ आए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ यहाँ पे पार्षद जी का और थाने की टीम का, जिन्होंने इतने इस इनिशिएटिव को लिया है। मैं यहाँ आने के पहले 10 साल डॉक्टर था, मैं सर्जन था यहाँ आने के पहले 10 साल, और इसलिए वहाँ का भी अनुभव थोड़ा साझा करना चाहूँगा आपके साथ, और यहाँ का अनुभव तो है ही है। मेरे हाथ में कई लोग मरे हैं जो शराब पी कर आए थे, जो जहरीली शराब से आए थे। एक 15 साल का लड़का आया था, उसको आँख से दिखना बंद हो गया 2 दिन, और जब जहरीली शराब से कोई मरता है तो उसे फिर शराब ही पिला के ठीक किया जाता है। आप लोगों को ये पता नहीं होगा, मतलब हमें उन्हें शराब पिलाना पड़ रहा था ताकि जहरीली शराब उनके सिस्टम से निकले और नॉर्मल शराब सिस्टम में जाए। 3 दिन तक वो बच्चा माँ माँ चिल्लाया बेड पे, दिखाई नहीं दे रहा था, 15 साल का लड़का था, उसके बाद मर गया। ऐसे एक नहीं, ऐसे 16-17 मरे। तो उस चीज से भी गुजर के मैं आया हूँ, ये चीज भी देख रहा हूँ, और हमें तो सिर्फ इस पार खड़े होके देखना है। आप उस पार खड़े हैं, आप ये भी जानते हैं कि जो बना रहा है उसके घर में कितनी तकलीफ है, कभी पुलिस दबिश दे दे रही है, कभी उनके हाँ के बच्चे बिगड़ जा रहे हैं। हमें इतनी खुशी लगी देख के, यहाँ पे हमें 3 लड़के इस वक्त टाई पहन के दिख रहे हैं, एक यहाँ एक वहाँ एक वहाँ, ये कितनी अच्छी है, ये परिवर्तन आ रहा है हम सब के बीच में, और हम सब इस चीज़ को समझ रहे हैं। नए लड़के यहाँ हैं, आप सब इतने मेहनती हैं, यंग हैं, भारत का भविष्य हैं आप। अगर आप लोग मिल के इसमें नहीं सहयोग करेंगे तो ये चीज़ बदलने वाली नहीं है। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में क्या क्या निकला? उसमें निकला विष, उसमें निकली अमृत। आपने नाम रख लिया अमृतानी, पीते हैं विष, ये क्या है? हमें इसी को तो बदलना है। अब आप सोचिए कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं।
जितने असुर थे वो तो अमृत लेके कट लिए, जो असुर थे उनके हाथ में विष पकड़ा दिया गया, बाद में उनसे भी नहीं जमली तो शिव जी को ग्रहण करना पड़ गया, इसलिए नीलकंठ बने वो। तो क्या हम सब यहाँ नीलकंठ बनेंगे? नहीं। हम तो शिव जी है नहीं कि बर्दाश्त कर लेंगे, तो हम शिव जी के पास पहुंच जाएंगे। तो ये काम ना करें। अब मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि नए लड़के हैं यहाँ पे, और हम सब ये चीज भी समझ रहे हैं कि अब यहाँ पे सिर्फ शराब नहीं है, यहाँ पे अन्य मादक पदार्थ आ गए हैं, यहाँ पे स्मैक आ गई है। किसी से पूछना है स्मैक कहाँ मिल रहा है तो 100 रुपए पुड़िया अमृतानी चले जाइए। ये चीज कितनी गलत है बताइए हम। अरे एक बात बताइए, जो छोटा बच्चा बेच रहा है वो क्या देख रहा है, वो क्या सीख रहा है? उसे तो ज्ञान नहीं है, उसके उसके माँ बाप को समझने की आवश्यकता है। आप अपने बच्चे के हाथ में जहर दे दिए हैं, बताइए उसकी उम्र जो होनी चाहिए 60 साल, वो 20 साल जिएगा, 30 साल जिएगा, कभी पुलिस उठा के ले जाएगी, कभी जेल ले जाएगा, बाहर आएगा, इसी चीज की आदत पड़ेगी, हाथ में इंजेक्शन भोक भोक के हालत ऐसी खराब हो जाती है कि पता नहीं। जितने हम लड़के पकड़ते हैं आधों के हाथ में यहाँ पे नस में इतने छेद रहते हैं कि इसका कोई हिसाब नहीं है। क्या हम यही देखने के लिए आए हैं यहाँ पे? हम लोग का दिल पसीज जाता है, पुलिस वाले हैं, जबकि आप लोगों का दिल कितना पसीजता होगा आप सोचिए। और सबसे अच्छी बात यहाँ माताएं हैं, माताओं को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। जो बूढ़े हैं वो तो अपना उम्र निकाल चुके हैं, मगर माताओं की बात जो है वो बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। यहाँ पे नए उम्र के लड़के हैं, माताएं हैं, जो लोग अभी काफी इसमें घुस चुके हैं उनके पास सुधरने का मौका है। क्या सब कुछ हम ही सुधारें? क्या आप लाठी के बल पे ही सुधरेंगे? ये अच्छा है, ये तो उग जाएगा, इतनी अच्छी मिट्टी में क्या हम ये उगाने के लिए बैठे हैं? तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, बाकी हमारा आपका साथ सहयोग सब रहेगा साथ में। जब तक है हम सब आपके लिए जगे रहते हैं, तो आप सब भी थोड़ा जगिए हमारे लिए। जो इस तरह के आपको लग रहा है कि जो सुधार के योग्य नहीं, आप हमें बताइए, हम उन्हें सुधारते हैं, और जो आप सुधार सकते हो उन्हें आप सुधारिए। हम सब बच्चे हैं, वो आओ, बड़े लोग बाद में। पढ़ाई लिखाई करोगे कि नहीं आप? हैं? बढ़िया सा पढ़िए, और सर जो शराब बेचते हैं उनको बताइए। अच्छा, बिना लड्डू खाए मत जाना। आप पर भी बोल दो, शराब में भले ही न बिकेगी। जय मत बोल रहे, शराब मुक्त रहेगा। उर्मिला मिश्रा, ऐसा ही होना ही चाहिए, बिल्कुल करेंगे हम, पुलिस के साथ हमेशा रहेंगे हम लोग। आप लोगों को किस बात की शपथ दिलाई गई? दारू के, नशा 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 बंद करने के लिए। और लोग भी बोल, और लोग भी बोलिए आप लोग, और सभी माताओं को विजुअल बनाइए, सब जनी बोलिए, माताओं को टीवी पे बुलाइए। अरे नशा क्या है? कम से कम सबकर बेटी बहन भाई बहन सब कंधे कंधा मिलाकर के रहेंगे, नया रिश्ता जुड़ेगा, नए रिश्ते से सब कोई खुश रहेंगे। आज राजघाट पुलिस द्वारा और क्षेत्राधिकारी कोतवाली द्वारा कप्तान साहब के निर्देशानुसार यहाँ अमृतानी में एक जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इसमें माताओं, बच्चों, बूढ़ों, जवान नौजवानों सभी से संपर्क स्थापित किया गया, और उनसे अनुरोध किया गया कि नशे का रास्ता छोड़कर विकास का, नौकरी का, पढ़ाई लिखाई का रास्ता ही अपनाएं। और इनके द्वारा भी काफ़ी अधिक संख्या में प्रतिभाग किया गया, और काफ़ी उत्साह के साथ इनके द्वारा ये शपथ भी ली गई कि हम अब विष का और नशे का रास्ता छोड़कर अमृतानी को एक अच्छा नाम देने का प्रयास करें।